लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नेरुल के इंटक कार्यालय में असंगठित कामगारों के लिए आज ई श्रम कार्ड दिलाने 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कामगार नेता रविंद्र सावंत के मार्गदर्शन में तालुका पदाधिकारी विद्या भांडेकर द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में कामगार अपना पंजीकरण कराते हुए नजर आए। विद्या भांडेकर ने बताया कि असंगठित कामगारों जैसे घरेलू कामगार, महिला, सब्जी विक्रेता या ऑटो चालक अथवा दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह ई श्रम कार्ड बेहद उपयोगी है, इसलिए इसका शिविर लगाया गया। उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए कामगार नेता रविंद्र सावंत का भी आभार जताया और असंगठित मजदूरों से कांग्रेस कार्यालय में पंजीकरण कराने की अपील की। नेरुल ब्लॉक की तरफ से मैं असंगठित लोगों को, जो रिक्शा वाले हैं, जो फेरी वाले हैं और जो घरेलू कामगार महिलाएं, उनको मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि किसी को यह कार्ड भरवाना है तो आप कांग्रेस पक्ष कार्यालय में आकर वो भर सकते हैं। इसका फायदा उन्हीं को ही होगा, जो भी सुविधा मिलेगी पहला उन्हें मिलने वाली है। हमारे कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत जी, जो कामगारों के नेता है, उनके मार्गदर्शन में हमने यह कैंप रखा हुआ है। रविंद्र सावंत जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें एक ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां तक हम असंगठित लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों और असंगठित कामगारों का डेटा जमा करने और उन्हें श्रम कानूनों और योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से यह ई श्रम पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिसके जरिए उन्हें यूनिक कार्ड दिया जाता है। इस कैंप से ई श्रम कार्ड हासिल करने वाले कामगारों ने भी कांग्रेस नेताओं के इस पहल की सराहना की। श्रम कार्ड आहे गवर्नमेंट थ्रू, गवर्नमेंट ने जे असंघटित कामगार आहे त्यांचा डेटा गवर्नमेंट कडे नाहीये, मग तो कलेक्ट करणार जसं का आपला आधार कार्ड असतं तसंच त्यांना एक युनिक आयडी भेटणार। ते आधी डाटाबेस कलेक्ट करणार आहे, फॉर एक्झाम्पल आता ऑटोवाले आहेत, मग त्यांना कळलं की इतके लोक आहे, मग त्यांना जे पण काही कल्याणकारी योजना करायचं असेल तर त्यांच्याकडे डाटा असणार, मग ते त्यांना त्या बँके थ्रू किंवा त्यांचं जे यूडीआय कार्ड असतं त्या थ्रू मग त्यांना हे करणार। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।